लेकिन सबसे पहले बदायूं से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां कांवड़ियों को पीटने का आरोप है। कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों से मारपीट किया आरोप लगाया वजीरगंज इलाके का लाड़पुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। दूसरे समुदाय के लोगों पर पीटने का आरोप लगा है, कांवड़ियों का रास्ता रोककर पीटने का आरोप है। डीएम एसएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है और दूसरे पक्ष के लोगों घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर बदायूं से आ रही है, आपको बता दें। अमित अग्रवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अमित, किस बताया जा रहा कि कांवड़ियों को किसी विशेष समुदाय के लोगों ने पीटा है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कांवरिये थे वो बरेली के एक शिवालय को शिवालय से जलाभिषेक करके वापस अपने गांव लौट रहे थे। ये सभी जो है वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव लालपुर के रहने वाले हैं। एक गांव पड़ता है बीच में धुंगो, वहां जैसे ही ये लोग पहुंचे तो डीजे बजाने को लेकर एक समुदाय विशेष के लोगों ने आपत्ति करना शुरू कर दी और उसके बाद कहासुनी बढ़ी। कहासुनी के बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने कांवरियों को पीटना शुरू कर दिया। इसमें कई कांवरिये जो है वो घायल हुए जी। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची है, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। क्योंकि कांवरियों में बहुत आक्रोश था, लेकिन अधिकारियों ने जाके कांवरियों को समझाया है और जो इसके आरोपी हैं उन लोगों पर कार्रवाई की बात पुलिस ने कही है। पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। आरोपी चूंकि फरार हो गए हैं ताला डालकर अपने अपने घरों में, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार तबीसे दे रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी। इस बारे में पता चल पाया जो कांवड़ियों पर जिन लोगों ने हमला किया वो कितने लोग शामिल थे उसमें, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो बहुत भारी संख्या में थे। चूंकि जो गाँव है, जो डूंगोपुर गाँव है, वो एक समुदाय विशेष के बाहुल्य वाला गाँव है, तो लगभग गांव के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मौके पर इकट्ठा हो गए और उसके बाद में उन्होंने कांवरियों पर हमला कर दिया। जी जी अमित, अभी ताजा हालात क्या है, क्या माहौल शांतिपूर्ण तरीके से नजर आ रहा है या अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिले की डीएम दीपा रंजन और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह पूरे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और गांव में सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही जो आरोपी हैं उन पर मुकदमा लिखने की तैयारी की जा रही है। जी जी अमित, आप बने रहिए। दर्शकों को बड़ी खबर बता दे, कांवड़ लेकर लौट रहे थे, कांवड़ियों से मारपीट की गई है, हमारे संवाददाता ने यह जानकारी दी। अमित अग्रवाल बता रहे वजीर